Good morning, students. I hope you all are fine, enjoying your holidays. And from today, we will start our studies. And for the class 7, today we will start first chapter. This is your book. First chapter is our environment. What does our environment means? हमारा पर्यावरण, ठीक है? हमारे आसपास का जितनी भी जो चीजें हैं, उसे क्या बोलेंगे? Our environment. First of all, we will discuss about the meaning of environment. What does environment means? What does it stand for? It means sum total of all the conditions around us. हमारे आसपास की जितनी भी जो चीजें हैं, ओके, ईच एंड एवरीथिंग अराउंड आर अस इज इंक्लूडेड इन एनवायरनमेंट विच अफेक्ट आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डालती है. लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ऑल द थिंग्स, दीज आर अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. ओके, नाउ एनवायरनमेंट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एनवायरनमेंट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? टू पार्ट्स में. First is natural environment, second one is man-made. Okay, now what is meaning of natural environment and what is meaning of man-made environment? ये दो नई चीजें क्या आ गई मैम? सो नेचुरल एनवायरनमेंट मींस ऑल द थिंग्स विच आर बी नेचुरल, जो क्या है? नेचर से रिलेटेड है. लाइक ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, जिन जो नेचर से ही बने, जो इंसान नहीं बना सकते, दैट इज व्हाट नेचुरल एनवायरनमेंट. प्लांट्स को हम बना सकते हैं? नहीं. वो जो नेचर से जो सीड मिले उससे, ह्यूमन बीइंग्स, देन एनिमल्स, ये सब किस में आते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट. ऑल द लिविंग थिंग्स आर एंड नॉन लिविंग थिंग विच आर नेचुरल आर इंक्लूडेड इन दिस. नाउ मैन मेड एनवायरनमेंट, ओके, जितनी भी जो चीजें ह्यूमन ने बनाई है, दैट इज इंक्लूडेड इन मैन मेड एनवायरनमेंट. लाइक यू हैव सीन एक्वेरियम, फिश जिसके अंदर रहती है, मछलियां जिसके अंदर रहती है, ओके, दैट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन. और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कार वगैरह, जो भी नॉन लिविंग थिंग है, जो भी चीज़ें ह्यूमन ने बनाई है, दैट इज नोन एज मैन मेड एनवायरनमेंट. ओके, स्कूल मैन मेड एनवायरनमेंट, स्कूल को वहाँ पर लोग आते हैं, हाँ, दैट इज नेचुरल थिंग्स आर देयर, बट दैट इज मेड बाय मैन. नाउ नेचुरल एनवायरनमेंट डिवाइडेड इनटू, सी दिस इज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, एंड देन अबायोटिक कंपोनेंट वी विल डिस्कस ओवर here. First, biotic means what? Jaivik. Okay, biotic means what? Jaivik, jo jinme jeevan hai. Okay, all the living organism, all the living things are included in this. Abiotic kya hai? Natural hai. These things are natural, but these are not living things. These are part of environment. Environment ka hissa hai, lekin wo kya hai? लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है? लाइक, ओके, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, सॉइल, विंड, सनलाइट, वाटर, एक्सेट्रा. है तो एनवायरमेंट का पार्ट. आप सनलाइट बना सकते हो? नहीं. इट इज अ पार्ट ऑफ, तो ये नेचुरल एनवायरमेंट है, लेकिन नेचुरल के अंदर क्या है? नॉन लिविंग मीन्स अबायोटिक, अजैविक है, अजैविक. ओके, देन अबायोटिक वी कैन डिस्कस एज लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, देन एटमोस्फियर, नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट बायोस्फियर. ओके, टुडे वी विल कवर टिल हियर ओनली. We will discuss about all these four. Lithos. Lithos means
लिथोस्फियर. लिथोस इज अ ग्रीक वर्ड. लिथोस कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्टोन. क्या मतलब होता है इसका? स्टोन. सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो लैंड का हिस्सा है अर्थ पे, द सॉलिड सरफेस ऑन द अर्थ, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जिसके अंदर रॉक है, सैंड है, सॉइल सैंड, दैट पार्ट इज नोन एज लिथोस्फियर. ओके, जिसपे हम रहते हैं. हाउ इट इज यूजफुल? वी सेटल ऑन इट, हम लोग इस पे रहते हैं. ओके, वी डू फार्मिंग ऑन इट, हम लोग इस पे क्या है, फार्मिंग वगैरह और बहुत सारी चीजें हम लोग इस पर करते हैं. इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करते, बिजनेस एस्टेब्लिश करते, ऑल दोस थिंग्स. नाउ हाइड्रोस्फियर. हाइड्रोस्फियर, हाइड्रो इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स वॉट? वॉटर. वॉट डज इट मीन्स? वॉटर. ओके, तो ऑल द थिंग्स, ऑल द वॉटर बॉडीज वी नो 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वॉटर. सो दैट 71% इज नोन एज वॉट? हाइड्रोस्फियर. से क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फियर. ग्रीक वर्ड मीन्स वॉटर. ओके, जितनी भी वॉटर बॉडीज लाइक ओशियन, रिवर, सी, ऑल द थिंग्स दीज आर इंक्लूडेड इन हाइड्रोस्फियर. देन नेक्स्ट थिंग इज एटमोस्फियर. वॉट इज इट? एटमोस्फियर. इट इज ऑल्सो ग्रीक वर्ड विच मीन्स वेपर. जिसका मतलब क्या होता है? वेपर. ओके, एटमोस्फियर हमारे अर्थ के ऊपर, अबव अर्थ आर फ्यू किलोमीटर्स. अर्थ इज फ्रॉम दी ऑल द साइड्स, देर इज अ वन कवर जो अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स बनाकर रखता है. ओके, एंड हाउ इट इज मोर हेल्पफुल? यहाँ पर अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इट मेक्स दैन, जितनी भी जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है एटमोसफियर का एक पार्ट है ओजोन लेयर, दैट सेव अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द सन. ओके, इट सेव्स अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन. ओके, एटमोसफियर के अंदर क्या क्या चीजें होती है? वेरियस टाइप ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ऑल द टाइप्स ऑफ द गैसेज आर ओवर हियर. नाउ बायोस्फियर. बायोस्फियर मीन्स वॉट? लाइफ. क्या होता है बायोस्फियर का मतलब? लाइफ. वॉटर, दिस इज लिथोस्फियर, देन हाइड्रोस्फियर, देन एटमोस्फियर. तो इन ये तीनों चीजें जहां मिलती है, दिस पोर्शन जहां पर लैंड होगी तो क्या ह्यूमन बीइंग रह सकते हैं? नहीं, नहीं रह सकते. रह सकते हैं, लैंड होगी तो ह्यूमन बीइंग रहेंगे, लेकिन पानी नहीं होगा तो नहीं रह सकते. तो रहने के लिए क्या है? हवा, पानी और लैंड सब चाहिए होता है. तो जहां पर ये तीनों चीजें हैं उसे क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर. एंड दिस इज वॉट? लाइफ, जहां पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हियर एक्सप्लेनेशन ऑफ हियर. So you, I will send you the PDF of the chapter. You have to revise this chapter at your home till whatever I taught, and I will send you other work, your homework also I will send. So you have to complete your homework for sure. Thank you. Have a good day.